हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिड के जेल की। ये हमारे स्किन और हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसे अप्लाई कैसे करते हैं, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। हमें एक पैन लेना है, उसमें हमें 1 से 2 गिलास पानी डालना है। इसे हमें फुल फ्लेम पर रख कर थोड़ा सा गुनगुना करना है। जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो हमें इसमें फ्लैक्स सीड्स ऐड करने हैं। मैंने इसमें 10 से 15 टीस्पून ऐड करे हैं। इसे हमें बीच बीच में हिलाते रहना है और इसे हमें 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉईल करना है। अच्छे से बॉईल करने के बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हमें एक ग्लास का कंटेनर लेना है, उसमें हमें एक कॉटन का कपड़ा रख कर इसको डालकर अच्छे से स्क्यूज करना है। जब तक हमें इसको तब तक स्क्यूज़ करना है जब तक इसका अच्छे से जेल ना निकल जाए। तो गाइस, हमारा ये फ्लेक्सिड्स जेल रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, एक्ने पिंपल को रिमूव करता है, लाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्किन को टाइटन अप करता है और ये स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो भी बनाता है। सो गाइस, इसको हमें रोज डेली अप्लाई करना है और 10 से 15 मिनट तक ऐसे मसाज करना है और नेक्स्ट डे इसे हमें नॉर्मल पानी से वॉश करना है। फ्लैक्स सीड्स हमारे स्कैल्प को एक बहुत अच्छा पोषण देता है जिससे ये आपके बालों का गिरना रोकता है, फिजनेस कम करता है और ये आपके बालों को घने और रेशमी मुलायम बनाता है और ये आपके बालों को ग्रो करने में भी बहुत हेल्प करता है। मैंने इसे कोकोनट ऑयल में ऐड करके लगाया। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने हेयर्स में लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप इसे अच्छे से टाई कर लें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉश कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।